एक बार नारद जी महाराज तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए भगवान शिव के निवास स्थल कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। तो भगवान शिव नारद जी से मृत्यु लोक के हालचाल पूछते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि मृत्यु लोक पर तो मुझे कोई भी सुखी नहीं मिला, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और किसी के धन की अभिलाषा। तो भगवान शिव कहते हैं कि आप मृत्यु लोक के दुखों की बात करते हो, यहाँ कैलाश पर्वत पर मेरे निजी जीवन में मुझे कितने दुख हैं मैं आपको क्या बताऊँ। तो नारद जी भगवान शिव से उनके दुखों का कारण और दुख पूछते हैं। तो लीजिए एक कवि की छोटी सी कल्पना। भगवान शिव कहते हैं, कालों में महाकाल कहाऊं, कालों में महाकाल कहाऊं, देवों में महादेव हरे, मैं ही पूड़ों में ही जाल नारद जी, अरे मैं ही पूड़ों में ही जाल नारद जी, हमारे घर को न्याव तो कुणी करे रे जी, ओ जी। तो भगवान शिव अपना पहला दुख नारद जी को कहते हैं, मारे लाडलो बेटो गजानन, दुनिया पर थम पूजा करे, मारे लाडलो बेटो गजानन, हर दुनिया पर थम पूजा करे, लांबी पूछ को लावे उंदरो, अरे लांबी पूछ को लावे उंदरो, मारी जटा कतर नुकसान करे रे जी, ओ जी। इसी प्रकार भगवान शिव अपना तीसरा दुख नारद जी को बताते हैं। अरे कार्तिकेय जद आवे केलासा, मोर की असवारी करे, छत्तर कर कर नचरे मोरियो, अरे छत्तर कर कर नचरे मोरियो, जिन सुमारो नाग डरे रे जी, ओ जी। इन दुखों को सुनकर नारद जी कहते हैं कि और कोई दुख प्रभु? तो भगवान शिव अपना चौथा दुख नारद जी को बताते हैं, मारे असवारी है नांदिया की, हरियो हरियो घास चरे, मारे असवारी है नांदिया की, हरियो हरियो घास चरे, घर की लुगाई मारी बैठे रे नहर पे, घर की लुगाई मारी बैठे रे नहर पे, जिन सुमारो नांदियो डरे रे जी, ओ जी। तो भगवान शिव जब अपने दुखों का बखान करते हैं, उसी समय माता पार्वती वहां आ पहुंचती हैं और वो ये कहती हैं कि ये अपने दुख तो बता रहे हैं लेकिन नारद जी मेरे दुख भी सुनिए। तो नारद जी माता श्री से पूछते हैं कि माता जी आपको भी दुख है? कि मुझे तो बहुत ही बड़ा दुख है, इस दुनिया में, इस संसार में किसी स्त्री को इतना बड़ा दुख ना होगा। तो नारद जी उनसे उनका दुख पूछते हैं। तो माता कहती हैं, बाप बेटा रे ग्यारह रे मुंडा, पर वो हाथी पेट भरे, बाप बेटा रे ग्यारह रे मुंडा, पांच मुख शिव जी के, छह मुख कार्तिकेय के और बारहवों हाथी पेट भरे यानी गणेश जी। बाप बेटा रे ग्यारह रे मुंडा, बारहवों हाथी पेट भरे, घर को धनी मारो बैठे धुनी पे, कोड़ी को नहीं काम करे रे जी, ओ जी। भगवान शिव और माता पार्वती के इन दुखों को सुनकर भगवान शिव का शंख और डमरू भी बीच में कह उठते हैं कि नारद जी हमें भी बहुत बड़े बड़े दुख हैं। तो शंख अपना दुख बखान करता है, असल दलिदर नाम है मारो, जिन सुमारे गांठ पड़े, असल दलिदर नाम है मारो,
यानी कि इस दुनिया में कोई जब काम नहीं करता तो उसे शंख ढपोर कहा जाता है, ढपोर शंख है। तो इस चीज से शंख के गांठ पड़ती है, यानी ये बात शंख को अच्छी नहीं लगती। और बाप को पानी कोई नहीं पीवे, अरे बाप को पानी कोई नहीं पीवे, बैण मारी घर घर में फिरे रे जी ओ जी। शंख के पिता यानी शंख की उत्पत्ति समुद्र से होती है और समुद्र का पानी इतना खारा होता है कि उसे कोई नहीं पी सकता, यानी कि शंख के पिता जो समुद्र है उनका पानी कोई नहीं पीता। और शंख की बहन समुद्र से जन्मी माता लक्ष्मी, वो घर घर में घूमती हैं, यानी कि इस घर से उस घर। तो शंख ने अपने ये तीन दुख बखान किए और इसी क्रम में डमरू भी अपना दुख भगवान शिव के सामने और नारद जी के सामने रखते हैं। अरे मरिया पशु को लावे रे चामड़ो, मरिया पशु को लावे चामड़ो, जिन सुमारो सिणगार करे बच में पकड़ने मने दंदोड़े, अरे बच में पकड़ने मने दंदोड़े, नहीं बोलू तो मार पड़े रे जी ओ जी। कवि की इतनी प्यारी कल्पना, भगवान शिव माता पार्वती शंख और डमरू सबने अपने अपने दुख बताए। तो कवि इन पंक्तियों के जरिए ये कहना चाहते हैं, अरे सुख दुख तो ये आवे रे जावे, सुख दुख तो ये आवे रे जावे, धूप छाया वालो खेल करे, हरी करे सो खरी ओकारा, हरी करे सो खरी ओकारा, गुरु चेतन बेड़ा पार।